हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। अगर आप किसी भी एमएससी एंट्रेंस या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से पढ़ रहे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू। हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से पढ़ रहे ऐप पे स्वागत किया जाता है। और कैसे हैं आप सभी बच्चे? तो भाई, जीओसी हमारी चल रही है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 6 क्लासेस में ले चुका हूँ आपको। इंडक्टिव के बारे में पढ़ा चुका हूँ, रेजोनेंस के बारे में पढ़ा चुका हूँ, मेजोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा चुका हूँ। काफी कंसेप्ट हमने सीख लिए हैं और काफी कंसेप्ट सीखने भी हैं। तो अब मैंने सोचा यार, एक एमसीक्यू सेशन रखते हैं कि भाई जितनी चीजें आपको पढ़ाई जा रही कि वो हेल्पफुल है या नहीं है, या उनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। बच्चों को बड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी शायद समझने में। तो भाई आइए, आप सभी का वेलकम, फटाफट से ज्वाइन कीजिए क्लास को। ओके, तो आप सभी को गुड इवनिंग और चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन लिए मैंने, अभी तक जितना करवाया उन्हीं के ऊपर वो बेस्ड है, ठीक है। जितने टॉपिक मैंने अभी तक आपको करवाए हैं उन्हीं के ऊपर वो बेस्ड है। आपने भी ट्राई करना है, आपने भी आंसर देने की कोशिश करनी है, है ना। आपको वीडियो को पॉज करके या जैसे भी आप लाइव तो देख रहे हो तो आप तो डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। तो चलिए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इन्होंने बोला है, है ना। देखो भाई, एक आदत अभी से डाल लेना। जो भी बच्चे आईआईटी जैम में सिलेक्शन चाहते हैं या किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं, वो एक बात आदत जरूर डाल ले, जिस भी क्वेश्चन में नोट वर्ड दिखे उसको बड़ा हाईलाइट कर लेना है आपको, है ना। अभी से आदत डालोगे तो ऑनलाइन एग्जाम होता आपको ऑटोमेटिक नोट वर्ड दिख जाएगा आसानी से, ठीक है। तो विच कंपेरिजन इज नॉट करेक्ट इंडिकेटेड, यहाँ पे कौन सा कंपेरिजन करेक्टली इंडिकेटेड नहीं है, ये बात आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे, ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहला बोला गया है, क्या फिनोल ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ करता है एज कंपेयर टू मिथेनॉल? यस, बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग रुचिता, बिल्कुल सही है ये वाला पॉइंट कि फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। दो तरीके से आप देख सकते हो। पहली बात तो ये देख सकते हो कि इस फिनोल का, इस बेंजीन रिंग का माइनस एम इफेक्ट लगता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी। दूसरा, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जाओगे, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ। तो दोनों से ही आप जा सकते हो, दोनों पॉइंट से ही इसका आंसर, यानी कि पहले स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन हमसे तो इनकरेक्ट पूछी है ना भाई, हमें तो नॉट करेक्ट बतानी है। दूसरा ऑप्शन देखिए, क्या ये ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा एज कंपेयर टू दिस? यस, बिल्कुल शो करेगा ये ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। कैसे शो करेगा भाई, देखो, ज्यादा करेगा या कम करेगा देखते हैं इसको एक बार, रुको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि क्या ये बात सही है। तो ये वाली बात सही नहीं है भाई, यहाँ पे जो ये CH3 लगा हुआ है इसका आपका प्लस आई इफेक्ट लगता है, ठीक है, सब भी होगा। यस आशुतोष, वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने कहा है। गुड इवनिंग किरण, गुड इवनिंग, वेलकम सभी का, ठीक है। तो भाई क्या होगा कि इसका माइनस एम इफेक्ट लगता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा। अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा तो इसका बेसिक ऑर्डर कैसे ज्यादा हुआ? आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ आशुतोष, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं काफी अच्छा हूँ, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में, और आप जैसे स्टूडेंट से मिलने का मौका मिल जाता तो क्या दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलिए भाई, ए यानी कि इसमें बी स्टेटमेंट हमें अभी तक इनकरेक्ट मिली है। क्या ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस? इसमें सिर्फ आपका प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, यानी कि इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, लेकिन इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है ना। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, कंपाउंड में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो सी आपकी करेक्ट अरेंजमेंट है और डी भी आपकी बिल्कुल करेक्ट अरेंजमेंट है। क्यों? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है, जैसे ही आप एच यहाँ से हटाओगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे ही एच यहाँ से हटाओगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वाला ग्रुप आपका माइनस एम की तरह काम करेगा, ये वाला ग्रुप आपका प्लस आई प्लस एम की तरह काम करेगा। अगर ये चार इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें नजर आई और वो है आपका बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि नॉट करेक्ट, ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ऑर्डर आपका ये होना चाहिए था। सभी को समझ में आ रहा है भाई? बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे है? अभिनय कहाँ पे है भाई? अभिनय, रमेश कहाँ पे है? ये कहाँ पे रहेगी? यंतिका, अनामिका, वो पहले तो आए थे, ठीक है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं, है ना, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं और इसी टाइप के। क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई,
आपको बताना गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट कर देगा एकदम से ये क्वेश्चन अगर आपने देख लिया तो इसको। तो देखिए भाई कैसे इन्होंने बोला है स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना, तो मैं देखो भाई पहले मुझे ये देखना पड़ेगा क्या मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करूं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैं हूं ओके अनामिका वेरी गुड। चलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो क्या इस OCH3 का प्लस एम इफेक्ट लग जाएगा, यस, यानी कि यहाँ पे OCH3 का प्लस एम लगेगा। क्या इस पे OCH3 का प्लस एम लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, इस बॉन्ड को आप यहाँ पे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसका मतलब ये है, ओके वेरी गुड। फिर कौन, अच्छा अभी अभी स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ गए, वेरी गुड। तो ये वाला जो ग्रुप है भाई, अब यहाँ पे इस कार्बोकैटायन के लिए किसकी तरह काम कर रहा है, माइनस आई की तरह काम कर रहा है, गुड इवनिंग, माइनस आई की तरह काम कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये। यहाँ पे आप अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए ना भाई पूछ लेना, है ना, मैं बिल्कुल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दूंगा चीजें। क्या यहाँ पे इस NH2 का प्लस एम लगेगा, क्या नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, इस NH2 का माइनस आई लगेगा, ठीक है। अजय दीपक वेरी गुड, चलिए सारे आ गए हैं, ठीक है, अभिनय नहीं आया भाई ना, अभिनय ठीक है, कोई बात नहीं भाई, तो ये वाली बात समझ में आई आप सभी बच्चों को। तो ये बेसिकली माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे भी इसका प्लस एम इफेक्ट लगेगा, है ना, यानी कि फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ में आपका प्लस एम इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी तो ये बात तो सही है कि फर्स्ट और फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। तो सारे ऑप्शन में भी हमें ये नजर आ रहा है कि कई जगह हमने फर्स्ट नजर आ रही है। अब बात करते हैं कि OCH3 और NH2 में से किसका ज्यादा प्लस एम, OCH3 और NH2 में से किसका ज्यादा प्लस एम, सीधी सी बात है NH2 का प्लस एम ज्यादा होगा, नहीं नहीं आशुतोष गलत कह रहे हो, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, प्लस एम NH2 का ज्यादा होता है भाई, प्लस एम NH2 का ज्यादा होता है, तो ए तो काट दो, ये तो कैसे भी पॉसिबल नहीं होगा भाई। अब देखो भाई उसके बाद देखो क्या ये सेकंड आएगा क्या, नहीं भाई, फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो डी भी काट दो, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, दोबारा समझा दूंगा अजय रुको एक बार समझा दूंगा, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट। अब बात करते हैं इन दोनों में से, ये तो कॉमन आ गया, अब इन दोनों में माइनस आई लग रहा है, अब OCH3 का माइनस आई ज्यादा होता है या NH2 का, तो आपका किसका माइनस आई ज्यादा, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना है, तो किसका माइनस आई ज्यादा होता है भाई आपका, OR या NH2 का, बताओ भाई, डी नहीं होगा नामिका, डी नहीं होगा, आप समझ नहीं रहे चीजों को, इन दोनों में से हमें देखना कि किसका, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती तो इसका माइनस आई ज्यादा हो जाएगा, तो उसके बाद सेकंड, सेकंड का तो सबसे कम आएगा, माइनस आई ज्यादा ना, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सी आएगा भाई। देखो दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, काफी बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, देखिए पहले दोबारा इस क्वेश्चन को मैं रफ करता हूँ आपके लिए, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि इन दोनों का मतलब क्या है। देखो भाई इसकी मुझे अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़े तो इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव में डबल बॉन्ड बन जाएगा, देखना भाई देखना, एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है ये अपने आप में ही। तो ये बना क्या पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है, क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो भाई सॉरी सी होगा, यस आशुतोष बिल्कुल, अब देखो भाई इस OCH3 का कैसा इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर, क्या कॉन्जुगेशन होगा, क्या ये OCH3 अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, यस करेगा, लेकिन ऐसा सेकंड में पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि सेकंड में आप इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज आने पे इस OCH3 का कोई रेजोनेंस, कोई मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है, अगर मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है तो OCH3 का माइनस आई इफेक्ट लगता है। इसी प्रकार इस बॉन्ड को आप यहाँ पे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो NH2 अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा इस पॉजिटिव चार्ज को, समझ पा रहे हो, यहाँ पे वही कंडीशन आ रही है। अब फर्स्ट और फोर्थ में दोनों प्लस एम की तरह काम कर रहे हैं, अब मुझे यह देखना था कि किसका प्लस एम ज्यादा होता है, तो NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है, ठीक है, मैंने आपको काफी बार करवाया, काफी क्वेश्चन करवाए, काफी प्रॉब्लम्स करवाई, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट कर दो भाई, बी सी डी की बात करनी है, बी सी डी की बात हमें करनी है यहाँ पे, ठीक है, बी सी डी की बात करनी है, तो अब हमें ये चीज देखनी थी, ठीक है भाई ये बात समझ में आई। अब डी ऑप्शन भी इसलिए एलिमिनेट कर दिया क्योंकि फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं ना थर्ड सेकंड और थर्ड, तो अब हमें ये देखना है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है
ना, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, OCH3 या फिर NH2। तो किसका माइनस आई ज्यादा होता है भाई, ऑक्सीजन का माइनस आई ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन का माइनस ज्यादा, तो इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर वो सी आएगा भाई, OCH3 का ही होता है ना माइनस आई, मैंने ऑर्डर लिखवाया हुआ भाई, OR का ज्यादा होता है NH2 से, यही ऑर्डर है ना, एक बार इसको वेरीफाई कर लेना भाई आप एक बार, ठीक है ना, इसको वेरीफाई जरूर कर ले एक बार आप सभी बच्चे, मैं भी कर लेता हूँ वेरीफाई, मुझे जहां तक लगता है ठीक ही है, फिर भी वेरीफाई कर लेना चाहिए, ठीक है ना। चाहिए तो रेजोनेंस थी, ठीक लो यार यही होगा, अभी क्या मिल तो नहीं रहा है। अच्छा ये केमिकल काइनेटिक्स, सही है भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। देखो ये ओ आर का ज्यादा होता है, एनएच टू यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये चीजें आपको बार बार करने से याद हो जाएगी भाई, प्रैक्टिस करोगे जैसे जैसे, ठीक है। कहाँ पे गई भाई अपनी फाइल जो मैं पढ़ा रहा था भाई, अच्छा ये है फाइल ही गायब होगी, नहीं भाई, चलिए सभी को क्लियर है, हाँ सर सही है, यही होगा, सभी को क्लियर है भाई, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? एंड एक प्रिया नाम से स्टूडेंट आई शायद, नहीं प्रिया नाम से स्टूडेंट है वो, क्या इस क्लास में है? न्यू स्टूडेंट आई है प्रिया नाम से, क्या वो इस क्लास में है? अगर है तो कमेंट करके बताए, ठीक है। तो चलिए भाई ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया भाई सभी को, किसी को डाउट हो तो बता देना, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। देखो यार ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, नॉट वर्ड है तो फोकस, नॉट वर्ड पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, आपको एक कंपाउंड गिवन है, बोला गया ओके, यस प्रिया वेलकम, आप कमेंट कीजिए, कोई चीज समझ में ना आए तो पूछिए। स्टीरियो केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका, तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं उसको, अभी जीओसी की क्लासेस चल रही है तो समझने की कोशिश कीजिए, ओके ठीक है। प्रिया आप अपना जो है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, आप व्हाट्सएप पे भी मुझे भेजिए, मैं ताकि आपका नंबर सेव कर लूँ, कोई प्रॉब्लम आए तो आपका नाम सेव हो, ठीक है। तो ये सारे काम भी आपको करने हैं ताकि आप रहो अटैचिंग से, ठीक है ना। तो चलिए भाई कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगी, तो देखो भाई बड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या इस बॉन्ड को मैं अगर यहाँ पे ब्रेक कर दूं, यहाँ पे ब्रेक कर दूं, तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्या यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्या इस पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बन जाएगा, क्या इस पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बन जाएगा, तो ए वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि वो बन जाएगी, एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सेकंड वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं अगर यहां पे ब्रेक करूं, फिर इसको मुझे यहां पे ब्रेक करना पड़ेगा, इसको मुझे यहां पे ब्रेक करना पड़ेगा, अगर यहां पे ब्रेक करूंगी तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो भी आएगा। हेलो वेलकम, हमारी फैमिली में स्वागत है आपका, बिल्कुल भाई सही बात है, सारे बच्चे अपने अच्छे से कोऑपरेट करके रहना है, प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, ठीक है, वो काफी मतलब बेहतरीन तरीके से एक दूसरे की हेल्प करनी है, तो बड़ा ना ग्रुप बनेगा ना तो काफी अच्छा बनेगा भाई, ठीक है, अपनी एक फैमिली बननी चाहिए, बड़ी जबरदस्त फैमिली बननी चाहिए, ठीक है। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, किसी बच्चे को समझ में ना आया तो पूछ लेना भाई, देखो क्योंकि मुझे तो काफी अच्छे से आते हैं, अब आप कहोगे मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई तो मैं बताऊंगा नहीं, देखो यहाँ पे ये वाला पॉसिबल है, यहाँ पे ये वाला पॉसिबल है, इसको यहाँ पे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सी ए भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है, डी भी पॉसिबल है, लेकिन बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकती, इस कंपाउंड की बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकती, ठीक है, इस कंपाउंड की बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकती, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो बी आएगा। अगर इस क्वेश्चन को MS2 टाइप का बनाना है तो इस ऑप्शन को नोट को हटा दीजिए कि बताइए कि कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी इस कंपाउंड की, तो फिर क्या बन जाएगा भाई आपका, ए बन जाएगा, फिर सी बन जाएगा और फिर डी बन जाएगा, MS2 टाइप का क्वेश्चन भी बना सकता है। बोलो भाई सभी बच्चे कॉमेंट जरूर करें, अरे बी नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा आशुतोष, बी बी क्यों नहीं होगा आशुतोष, बी ही कन्फर्म होगा, बी बिल्कुल कन्फर्म होगा, पर फिर समझाना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के, देखो दोबारा समझा देता हूँ,
देखो यार, जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, अब इस बॉन्ड को तो आप यहाँ पे तोड़ नहीं सकते, अगर यहाँ पे ब्रेक करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो आपको इस डायरेक्शन में लेके चलना पड़ेगा कि इसको मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ ताकि पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बन जाए, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर आपने सोचा ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया इसको यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, सॉरी फिर ये यहाँ पे नेगेटिव आया तो आप सोचोगे इसको यहाँ पे ब्रेक कर दूं, और ये वाला स्टेप आपका बनेगा नहीं भाई। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव जो ये नेगेटिव नेगेटिव है ये काफी अनस्टेबल है, एडजेसेंट पोजीशन पे अपोजिट चार्ज ही काफी अनस्टेबल होते हैं, और ये तो सेम चार्ज है, ये तो हाईली अनस्टेबल है। समझ पाए हो मेरी बात? ओके, क्लियर हुआ आपको? तो भाई बी पॉसिबल नहीं होगा। आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। सर मतलब कि बी नोट करेक्ट, वही बोला। ओके ओके, वेरी गुड आशुतोष, बहुत बेहतरीन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने एक दिन और आपको करवाया था, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन भाई। अजर्शन रीजन का आता नहीं है आपके एग्जाम में, मुझे कंसेप्ट बताने से मतलब है, इसलिए मैंने लिया। रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कौन ऐड होगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों ऐड होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसका एडिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको उसको जरूरत होगी, उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे यहां से। तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक करेक्टर रहेगा उस बॉन्ड में उतना ज्यादा। तो मुझे इसके रिस्पेक्ट में बात करनी भाई, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन आपका प्लस एम किस पोजीशन पे? मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। देखो इसके लिए मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो ये माइनस आई शो कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा तो इस डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा तो इस डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है। क्या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल आएगा लेकिन इतने खुशी खुशी नहीं आएगा। यहाँ की अगर बात की जाए प्लस एम इफेक्ट तो होगा, प्लस एम होगा क्योंकि पैरा पोजिशन पे, बिल्कुल सही बात, प्लस एम होगा पैरा पोजिशन पे, सही बात, प्लस एम होगा पैरा पोजिशन पे है, सही बात। इनमें से किसका प्लस एम ज्यादा होता है? मैं आपको कम से कम 10वीं बार ये बात बता रहा हूँ कि NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है, फिर OH का होता है, फिर OR का होता है, ठीक है। अब देखो भाई अगर प्लस एम ज्यादा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचेगी इस बॉन्ड पे, इस पे वो कम पहुंचेगी थोड़ी NH2 के रिस्पेक्ट में, इस पे और भी कम पहुंचेगी, और इस पे तो सबसे कम रही होगी। तो क्या ये ऑर्डर सही है? बिल्कुल करेक्ट भाई, ये जो अजर्शन यहाँ पे गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट गिवन है यहाँ पे। अब बोला गया है नीचे रीजन दिया गया है इसका, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकोटाइन, मोर प्लस एम इफेक्ट, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन। बिल्कुल सही है ये वाली स्टेटमेंट भी, और ये वाली स्टेटमेंट इससे रिलेट भी कर रही है भाई। रिलेट कैसे कर रही थी? कहां से कार्बोकोटाइन तो दिख नहीं रहा। अरे भाई देखो कैसे होता है, इलेक्ट्रोफाइल आया, ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करवाओगे, इलेक्ट्रोफाइल तो इस बॉन्ड पे अटैक करेगा तो यहाँ पे तो कार्बोकोटाइन ही बनेगा ना, ये कार्बोकोटाइन बन रहा है तो ये कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी देख लेंगे आप। बताओ भाई किसी स्टूडेंट को डाउट समझ में ना आओ? अब इसके बाद थोड़े से एडवांस क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सभी को जवाब देना, बिल्कुल नए क्वेश्चन है, अभी कुछ एग्जाम्स में आए हैं रिसेंटली, जेई एडवांस के क्वेश्चन मिलेंगे, जेई मेन के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ नीट के क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके है ना, कुछ नेट गेट के भी क्वेश्चन है। तो लगभग कोई भी एमएससी एंट्रेंस हो, कोई भी एग्जाम हो जो जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए यूजफुल है ये क्लासेस बेहतरीन तरीके से। चलिए भाई ये तो एक और बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद स्टार्ट होंगे शायद वो, हाँ यहाँ से स्टार्ट होंगे वो वाले क्वेश्चन। तो चलिए भाई ये एक और बेसिक क्वेश्चन है आपसे बोला जा रहा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ना शायद, ये जो भी है भाई कोई बात नहीं, स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। अमोंग द फ्लोइंग विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेसिकली इसको बेंजोइक एसिड बोलेंगे, बेंजीन के साथ लगाओ तो बेंजोइक एसिड इसे बोलेंगे, बेंजोइक एसिड है ये आपका, दिस इज योर फिनोल, वेरी फेमस फिनोल, ठीक है जी। क्या बोला गया? कॉन्जुगेट बेस इज फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन ऑफ सेकंड, यस बिल्कुल बिल्कुल सही है। कैसे देखेंगे भाई? कॉन्जुगेट बेस ऑफ सेकंड इज मोर स्टेबल देन बेंजोइक एसिड, नो पॉसिबल। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन H एटम ऑन OH नेगेटिव इज ग्रेटर इन फर्स्ट, यस बिल्कुल सही है। A एंड C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे भाई? बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। देखो भाई पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बोला है, पहला पॉइंट तो ये इन्होंने बोला कि इसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा?
इसका कॉन्जुगेट बेस तो ऐसे बना होगा कि सी डबल बॉन्ड ओ और ओ नेगेटिव, क्या ये इसका कॉन्जुगेट बेस है? यस। इसका कॉन्जुगेट बेस का नाम भी होता है फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहा होगा? यस। अब ये बोला कि क्या फर्स्ट कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है सेकंड से? यस। क्यों जी? इसलिए भाई क्योंकि यहाँ पे ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है इसका प्लस एम माइनस एम लग रहा है इसका, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये यहाँ पे मूव करेगा तो इसको अपने सब बॉन्ड देना पड़ेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। देखो इसमें बेंजीन तो दोनों से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है, बेंजीन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है, बेंजीन यहाँ पे, यस यस आशुतोष एमएसक्यू है, एएमसी करेक्ट है, बेंजीन का तो इफेक्ट सेम है। यहाँ पे क्या कि एक्स्ट्रा ये सी डबल बॉन्ड माइनस एम लगा रहा है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा पॉइंट समझना भाई, बहुत सारे बच्चों को क्या पता समझ में ना आया हो कि दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। दूसरा पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे ज्यादा है। तो खैर इस बात को थोड़ा सा समझो, अब हमें ये पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमें पता कि ऑक्सीजन कम स्टेबल है तो इसके ऊपर कम नेगेटिव डेवलप हुआ होगा, कम नेगेटिव डेवलप हुआ होगा तो इसके ऊपर कम पॉजिटिव डेवलप हुआ होगा। क्या ये बात समझ पाए? क्या ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए बताइए भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक चीज और समझनी पड़ेगी भाई आपको थोड़ी सी यहां पे, ठीक है ना? बिल्कुल सही है, यही पॉइंट आएगा कुछ इस तरीके से। दूसरा आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे हमने देखा कि ये नेगेटिव यहाँ पे भी है, नेगेटिव यहाँ पे भी, ओवरऑल इफेक्ट कैंसिल। अब हमने देखा कि ये वाला जो है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का मतलब क्या, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिक्रीज कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसके ज्यादा है तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव ज्यादा आना चाहिए भाई, सॉरी इसका जो है ए और डी आएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझो यार इसको, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे भाई, दोबारा देख लो, कभी कंफ्यूजन ना हो जाए आपको चीजों का। ये कह रहा भाई मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम ऑफ ओ एच इज ग्रेटर इन सेकेंड, भाई इसके ऊपर डेल पॉजिटिव ज्यादा है क्या? देखो यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव हमें पता है और यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव, किसके ऊपर डेल पॉजिटिव ज्यादा होगा? एक मिनट रुको यार, मैं थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ेगा एक बार इसको, ठीक है? तो ये नेगेटिव बना, अब हमें पता कि ये वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा है स्टेबल, तो ज्यादा नेगेटिव तो ज्यादा डेल पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है यार ये ए और सी आएगा, सॉरी यार ए और सी ही आएगा, इसको बस आप सिंपल इतना समझो, ज्यादा कंफ्यूज करने इसलिए। ये देखो भाई ये वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा नेगेटिव डेवलप हुआ होगा क्योंकि इसको पता है कि आपका ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव तो यहाँ पे ज्यादा डेल पॉजिटिव, बस सीधी सी बात ये है, ए का ही आपका ज्यादा रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ए और सी ही आएगा भाई, बताओ समझ में आया या नहीं आया? कितने स्टूडेंट है जिनको ये समझ में नहीं आया भाई बताइए, कितने स्टूडेंट ऐसे जिनको ये समझ में नहीं आया? फटाफट से बोले भाई, फटाफट से चलो भाई कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूं। ये वाले क्वेश्चन बड़े एडवांस क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है? अगर इस क्वेश्चन का जवाब कोई बच्चा देता तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे पता लग जाएगा कि वो स्टूडेंट काफी मेहनत कर रहा है, ठीक है? वो स्टूडेंट काफी मेहनत कर रहा है। देखो इसमें से आपसे बोला गया है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कोक्साइड, ये आपको अल्कोक्साइड गिवन है, आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेबिलिटी बतानी है कि सबसे स्टेबल अल्कोक्साइड कौन सा है, ठीक है? नहीं आया सर, ओके अजय आपको ये पहले बात मुझे बताओ, ए ऑप्शन तो सभी को समझ में आ गया ना, ए ऑप्शन सभी को समझ में आया, ए ऑप्शन सभी को समझ में आया क्या? फिर से बताना, जगरातों को भी नहीं समझ में आया यार, ए तो समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि फर्स्ट का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल। दूसरी बात ये यार ये देखो कि यहाँ पे डेल नेगेटिव, यार ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, आप ये देख लो अगर ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है तो इस पे ज्यादा डेल नेगेटिव रहा होगा, समझ पा रहे हो ना? और ज्यादा डेल नेगेटिव रहा होगा तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव रहा होगा। सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉएंगे तो ऑक्सीजन से नेगेटिव को ज्यादा विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन होगा ना फर्स्ट में, यस सही कह रहे हो। पॉजिटिव होना चाहिए वैसे आशुतोष, जो बात आप कह रहे हो, बट टू में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज्यादा है ना, अरे कहां से होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज्यादा? इलेक्ट्रॉन डोनेशन से तो अनस्टेबल होता है कॉन्जुगेट बेस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आप इसको दिए जा रहे हो, अनस्टेबल कर रहे हो। कॉन्जुगेट बेस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करो, ठीक है?
आशुतोष, जो बात आप कह रहे हो बात आप ठीक कह रहे हो, लेकिन गलत है वो बात कुछ हद तक। आप इसको अगर यहाँ पे माइग्रेट कराओगे तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव, इस डेल पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो इस पे भी डेल पॉजिटिव क्रिएट होगा, वो वाली अगर बात आप देखोगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो वो है। लेकिन आप इस चीज को ऐसे ही याद रखो, इसको ध्यान में रखो इस क्वेश्चन को, कि इसका ए और सी आना ही चाहिए भाई आपका, ठीक है। बाकी वेरीफाई कर लेंगे इसको एक बार और, ठीक है, देखता हूँ मैं, अगर अभी अभी मेरे पास कोई है ऐसा तो वेरीफाई करना पड़ता है चीजों को, ठीक है ना। शायद पता ही नहीं मुझे ये क्वेश्चन कहाँ का, मुझे पता ही नहीं इस क्वेश्चन के बारे में कहाँ का ये क्वेश्चन है, और कोई बात नहीं भाई, देख के मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल क्लियर करूंगा इसके बारे में। बाकी मुझे अभी तो यही लग रहा है कि इसका यही आना चाहिए ए एंड सी, अभी मिल नहीं रहा भाई, मिलेगा भी नहीं क्योंकि पता नहीं कहाँ का क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेरे पास तो पता नहीं कहाँ कहाँ के क्वेश्चन पड़े हैं, ठीक है, देख लूंगा भाई मैं इसको, बताऊंगा आपको दोबारा से, ओके। हो सकता है भाई इसमें डाउट हो सकता है थोड़ा सा, बाद में क्लियर करते हैं इसको, अभी के लिए ए एंड सी, अगर कुछ चेंज हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए भाई नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो यार इसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली बात करनी है कि यहाँ पे ये NO2 कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, ये NO2 माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, कोई रेजोनेंस नहीं है, माइनस आई शो कर रहा है। यहाँ पे ये कैसा कर रहा है, क्या ये माइनस एम शो कर रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये माइनस एम शो कर रहा है, यस ये माइनस एम शो कर रहा है। यहाँ पे ये NO2 कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी माइनस एम शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो अल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी का मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचोगे उतना ज्यादा ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लोन पे स्टेबल होगा, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि बी एंड सी ज्यादा होंगे, ए तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि ए में तो सिर्फ माइनस आई लग रहा है, इन दोनों में तो माइनस एम लग रहा है, तो इससे ये बात तो क्लियर होगी कि ए तो सबसे लास्ट में आएगा। तो क्या मैं बी और डी को हटा दूं, बी और डी को हटा दें, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसे, बहुत बेहतरीन मेथड होता है, हटा दिया भाई हमने इसको। अब इस चीज को समझो यार, यहाँ पे क्या यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है इसके अंदर, क्या यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन, और क्या यहाँ पे प्योर रेजोनेंस है, ट्रू रेजोनेंस है, ट्रू कंजुगेशन है, कैसे समझना भाई। देखो अब क्या हो कि इस बॉन्ड को जैसे आप यहाँ पे मूव करोगे, देखो इस बॉन्ड को जैसे आप यहाँ पे मूव करोगे, ये इसका इसने इसने इलेक्ट्रॉन देना है यहाँ पे, ठीक है, इस बॉन्ड को जैसे आपने यहाँ पे मूव किया तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या हुआ भाई, अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन देना था तो इसने इसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया इससे, इसने इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया भाई, इसने इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, तो यहाँ पे जो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया था ये यहाँ पे डोनेट कर रहा है और ये यहाँ पे वो कर रहा है, यानी कि लाइक दैट क्रॉस कंजुगेशन टाइप। अब यहाँ पे क्या हो गई, जैसे ही आप इस बॉन्ड को यहाँ पे मूव करोगे, यहाँ पे 100 ये पॉजिटिव, सॉरी इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सर ए होगा आंसर, बी में क्रॉस है, देखो भाई एक मिनट रुको, थोड़ा सा रुको। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, एनओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस बॉन्ड को आप यहाँ पे मूव करोगे और ये वाला डोनेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे प्योर डोनेशन हो रहा भाई। और यहाँ पे आप ये भी समझो ना कि क्रॉस कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे आपका एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। अगर इसकी मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो इसकी कुछ ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी भाई, समझना आप ध्यान से समझना भाई थोड़ा सा, किसी स्टूडेंट को समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दिया करो भाई, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पॉइंट भाई यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको आप ये करोगे कि सबसे पहले आपने क्या किया, ये वाला देखो, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव हुआ और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव हुआ, तो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है ना, ये ऑक्सीजन ऐसा कैसा, यहाँ पे आपका ये आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका क्या बन जाएगा भाई, डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, एक तो ये बना भाई देखो। और यहां से जो कॉन्जुगेशन होगा इसके अंदर जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे वो ना काफी मतलब अच्छी देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए, ये अपना अलग डायरेक्शन में विड्रॉ कर रहा है, ये अपना अलग डायरेक्शन में विड्रॉ कर रहा है, तो विड्रॉल इतना अच्छा नहीं हो रहा है, जितना अच्छा विड्रॉल होना चाहिए उतना अच्छा हो नहीं रहा है, यहाँ पे आपका एक्सटेंडेड है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, यस दीपक ने सही कहा, आशुतोष ने सही कहा, एंड यंतिका ने भी सही कहा है, ठीक है, अनामिका एंड रुचिता ने शायद सी सी कहा है, वो गलत है शायद, अगर इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो बताओ भाई, क्लियर है पॉइंट क्लियर है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, रिसेंटली एग्जामिनेशन के बिल्कुल न्यू क्वेश्चन,
ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब बच्चे बता पाएंगे, क्योंकि मैं काफी बेहतरीन तरीके से चीजें समझा चुका हूँ भाई। अभी भी अगर वो बच्चे नहीं बता पा रहे तो फिर उनको सोचना चाहिए, या तो पूछे उनसे, बात करें कि हमें नई चीजें समझ में आ रही है। बताओ भाई मुझे, या तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना सभी, बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। थोड़ा सा समझदारी से थोड़ा सा ध्यान से देना आंसर। चलिए भाई, अब आपने दे दिया होगा क्योंकि मैंने वेट कर लिया। अब देखो क्या है, मैंने देखा कि कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी पूछी, मैंने देखा ऑक्सीजन लगा हुआ बगल में, ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या लोन पेयर डोनेट करेगा? यस, ऑक्सीजन क्या लोन पेयर डोनेट करेगा, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड में रेजोनेंस लग रहा है ऑक्सीजन की तरफ से, बैक बॉन्डिंग हो रही है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये बात तो कन्फर्म है कि या एक या तीन, इन दोनों में से ही आपका स्टेबल होगा। अब कॉमन फैक्टर देखा हमने, यहाँ पे मुझे लगा कि एक सी एच थ्री है, एक सी एच थ्री है। अभी के लिए मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ाया तो मैं इंडक्टिव से सोल्व कर देता हूं। वैसे यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना स्टेबल कार्बोकोटाइन होता है, ये बात हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेगा, ठीक है, बता दूंगा मैं। लेकिन अगर आप इंडक्टिव से देखो तो यहाँ पे एक सी एच थ्री का इंडक्टिव लग रहा है, यहाँ पे दो का लग रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल, फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल। तो मैं क्या ए और सी ऑप्शन को हटा दूं, ए और सी ऑप्शन को हटा दूं, यंतिका, अच्छा पिछले का था वो तो, ठीक है, यस डी, वेरी गुड। दीपक ने भी सही बोला, आशुतोष ने भी सही बोला, एंड रमेश ने भी सही बोला। अभी देखते हैं क्योंकि आगे मुझे अभी तक तो ठीक लग रहा है इतनी बात। अब मैंने देखा यहाँ पे कि इसके पास दो ये रहे यहाँ पे और तीन ये रहे यहाँ पे, तो पांच अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे कितने, यहाँ पे सिर्फ दो अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज्यादा कार्बोकोटाइन स्टेबल होता है। यस यस, रुचिता ने भी बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो डी है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो डी है। किसी स्टूडेंट को डाउट है, कोई बात समझ में ना आई हो, आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, लेकिन ये समझना था कि बैक बॉन्डिंग होनी है यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग होनी है। यस किरण, वेरी गुड, सभी का बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन देखो भाई, समझो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में यही चीजें काम आएंगी भाई। क्वेश्चन नंबर 8 बोल देता हूँ इसको, पता नहीं कौन सा है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन की बात की जा रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है। ये होती क्या भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ लो एक बार, होता क्या कि आपके पास कोई एक क्या होगा, सब्सट्रेट होगा भाई, आपका कोई ऐसा कोई कंपाउंड होगा, सब्सट्रेट बोलते हैं, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है। तो क्या करेगा, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, तो क्या बन जाएगा भाई, आर, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल ने किसी लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, है ना, कि उनके ऊपर दो टाइप का SN, देखो आपने, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, SN1 भी होता है, SN1- भी होता है, ना SN2 भी होता है, SN2- भी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका SN aromatic substitution भी होता है, उसके बाद आपका और भी काफी टाइप का होता है यहाँ पे एडिशन, ना उसके बाद और भी आपका जो है SNI भी होता है भाई, तो काफी टाइप का मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको समझा सकता हूँ, देखिए भाई, अब ये वाली जो रिएक्शन वो SN2 मैकेनिज्म से जा रही है भाई, ये वाली रिएक्शन किससे जा रही है, SN2 मैकेनिज्म से। कैसे पता लगा, मैं बताऊंगा कैसे, मैंने कह दिया कि SN2 से जा रही है, ये SN2 मैकेनिज्म से जा रही है। अच्छा जी, फिर क्या देखते हैं, देखो SN2 जो होता है ना उसमें कोई कार्बोकोटाइन नहीं बनता, नो इंटरमीडिएट, ठीक है, कोई कार्बोकोटाइन नहीं बनता, नो कार्बोकोटाइन फॉर्मेशन, ठीक है भाई। तो वहां पे ये चीज देखी जाती है, वहां पे ये चीज देखी जाती है कि इसके ऊपर अटैक करना है। अब देखो जितना ज्यादा, देखो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक करना है, जितना ज्यादा इस सबस्ट्रेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा इस सबस्ट्रेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या उतना अच्छे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बोलो, जितना ज्यादा इस आर पे, इस सब्स्टिट्यूएंट पे, हाँ सर SN2 से होगा ना, यस बिल्कुल, जितना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्या उतना अच्छे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बस आप ये देख लो, अब देखो भाई यहाँ पे आपका क्लोरीन 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 क्लोरीन, यानी कि ये आपका लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन आपका लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन आपका लिविंग ग्रुप है, ये लिव करेगा।
उसके बाद आपको ये देखना कि ये तो ये आपका प्लस एंड शो करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये सीएल को जाने नहीं देगा, तो फर्स्ट तो सबसे लास्ट में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा लेकिन एक लगा हुआ है, यहाँ पे दो लगे हुए और यहाँ पे तीन लगे हुए, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ज्यादा ये वाला सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको लगाना है फोर्थ थर्ड एंड सेकेंड, यस सी इज द करेक्ट आंसर, यस बिल्कुल सही बोला, एट का सी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, दीपक का सही है, रमेश का सही है, अंकित का सही है, अनामिका का सही है, बिकॉज थ्री इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन जवाब आपने दिया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ में ना आया, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, ये हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया ऐसा क्या होती है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई सभी बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखता हूँ कितने बच्चे सही देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 मान लेता हूँ मैं इसको, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई अपने आप में, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे इस क्वेश्चन में, तो मैं इंतजार करता हूँ आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सर सी में मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, आशुतोष SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, कैसे पता चला, सीएल लिविंग ग्रुप है, लिविंग होगा। देखो क्या होता है, जनरली जो SN रिएक्शन शो करते हैं ना वो आपके शो करते हैं अल्काइल हैलाइड, क्या भाई, अल्काइल हैलाइड, और सीएल एक वैसे भी काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है भाई, सीएल आपका काफी बेहतरीन लिविंग ग्रुप होता है, तो ये बेसिकली आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, मैं वहां पे आपको बताऊंगा ना सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो हैलोजन्स आपके बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है अजय, चलिए भाई अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, काफी टाइम दिया मैंने आपको करने के लिए इस क्वेश्चन। देखो भाई बहुत सारे बच्चों ने जो मिस्टेक की होगी, जो मुझे लगता है कर सकते हैं बच्चे, बोलेंगे ये आपका शो कर रहा है माइनस है, वेरी गुड, ठीक है, ये माइनस एम शो कर रहा है, ये आपका माइनस आई शो कर रहा है, ठीक है, और ये आपका प्लस प्लस एच शो कर रहा है, या प्लस एम प्लस आई शो कर रहा है, ठीक है, ये आपका प्लस एम शो कर रहा है, ये तो है ना, ये कैसे शो कर रहा है, प्लस एम, इसका मतलब क्या है कि इस ये तो ये देखो ये जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि देखो डी तो फोर्थ तो सबसे लास्ट में होगा, बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, फोर्थ तो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लस एम वो तो इलेक्ट्रॉन देके अनस्टेबल कर रहा है उसको, सोच सकते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं, है ना, लेकिन ऐसा सोचना गलत हो जाएगा उनके लिए। देखो भाई एक बात तो आपको आइडेंटिफाई पहले ही कर लेनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अल्कोहल, एंड फिनोल इज एन स्पेशल टाइप ऑफ अल्कोहल, ठीक है, फिनोल इज एन फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि फोर्थ सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो क्यों बोला मैंने ऐसी बात मैंने क्यों बोली है, ठीक है, इसलिए बोली भाई, ये देखो ये आपका जो यहाँ पे जो नेगेटिव बनता है ना वो आपका इसके माइनस एम के द्वारा स्टेबलाइज होता है, माइनस है इस सी डबल बोनो, जो कि यहाँ पे वो एक्स्ट्रा सी डबल बोनो नहीं है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा एज कंपेयर टू फिनोल। कुछ एक दो फिनोल ऐसे होते हैं जैसे पिक्रिक एसिड होता है, बस एक आपका है ना, फिनोल में फिनोल से जो बना हुआ है ना वो पिक्रिक एसिड होता है, पिक्रिक एसिड का मतलब होता है ये वाला गुण, अगर आप ये लेते हो ना ये आपका ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला जो ग्रुप है पिक्रिक एसिड बोलते हैं भाई इसे, इसे क्या बोलते हैं भाई, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है, लेकिन और कोई नहीं करता भाई, और कोई नहीं करता, तो इसका आंसर जो है डी इज द करेक्ट आंसर, मुझे नहीं सॉरी डी का नहीं कहता मैं, क्योंकि फोर्थ तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब मैं ए और सी को तो काट देता, ए और सी को तो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं बी और डी में, अब मैंने देखा कि ये माइनस एम लगा रहा है तो माइनस एम बहुत ज्यादा स्टेबल करेगा, उसके बाद फर्स्ट है भाई, बिल्कुल सही है, उसके बाद फर्स्ट, ये आपका माइनस आई लगा रहा है और ये आपका प्लस एच लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, उसके बाद थर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर, यस आशुतोष बिल्कुल सही गया, बिल्कुल सही आशुतोष का, अनामिका डी नहीं होगा लेकिन आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, अंकित आपका गलत है, एंड यंतिका ने बिल्कुल गलत सोचा। कितने स्टूडेंट भाई जिनको समझ में आ गई बात, बताओ भाई कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको समझ में ना आई, किसी को समझ में ना आई हो बात, बताओ भाई। एक बात और ध्यान में रखना, सीएसआर नेट में क्वेश्चन आया था ये वाला,
पिक्रिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि तीन NO2 ग्रुप लगे हुए हैं भाई, वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा चला जाएगा। डी नहीं होगा इस क्वेश्चन का, क्लियर कट आंसर बी होगा, बी बी बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है भाई, डाउट तो पूछ लेना भाई। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। बेहतरीन बेहतरीन एग्जांपल्स में से डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भाई, है ना। तो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। देखो पी के ए डिफाइन किया जाता है एसिड के लिए, एक बार फिर से। ओके देखिए भाई, मैंने आपको ये बात बोली कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तीनों फिनोल है, फिनोल डेरिवेटिव से ये तीनों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है एज कंपेयर टू फिनोल, इसलिए मैंने ए और सी को तो हटा दिया। ठीक है, उसके बाद ये पैरा पोजीशन पे लगा हुआ, ये माइनस एम शो करेगा, माइनस एम को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद फर्स्ट हो गया। अब इन दोनों में से देखा, ये तो आपका मेटा पे लगा हुआ, माइनस आई तो शो करेगा ना मेटा पे, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबल करेगा, तो सेकंड तो सबसे लास्ट में आएगा, सेकंड सबसे लास्ट में, फिर उसके बाद ये था भाई। ठीक है चलो भाई, इस क्वेश्चन देखो यार, एक होता आपका पी के ए होती है वैल्यू, पी के ए वैल्यू, और एक आपका पी के बी वैल्यू होती है। पी के ए वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड पी के बी वैल्यू इज द डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, पी के बी बी मतलब बेस, ए मतलब एसिड, बी पी के ए बी अगर, अच्छा सॉरी, पी के बी अगर पूछे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के, और ऐसे ही जो के ए वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के, और के बी वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ के। अब हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है पी के बी वैल्यू का, इसका मतलब आपको पहले एसिड, पहले बेस देख लेना कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और उसका रिवर्स आंसर देना है उसका। ये मिस्टेक करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो पी के बी वर्ड कहीं पे दिखे उसको मार्क कर लेना, बहुत बार बच्चे गलत करके आते हैं। देखो अब ये लाइक दैट गुआउडिन टाइप का, देखो कैसे ये यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ से भी डोनेशन दे रहा है और ये यहाँ से भी डोनेशन दे रहा है, तो और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। अब ये सिर्फ एक NH2 दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे दो का प्लस एम लग रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन 140% पहुंचेगा समझाने के लिए, यहाँ पे सिर्फ 100% पहुंचेगा और यहाँ पे आपका 50% पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, आई इफेक्ट लगाएंगे, तो बी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर ए की एंड फिर सी की। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बी जो लगाएंगे वो गलत करके आएंगे, यही बात तो मैंने कहनी थी ना कि आप गलत करोगे, बी नहीं लगाना आपको आंसर, आपको पी के बी वैल्यू पूछी है तो पी के बी वैल्यू सी की सबसे ज्यादा होगी, सी की सबसे ज्यादा होगी, यही मुझे पता था आपने करनी है। किरण ने गलती कर दी, अंकित ने गलती कर दी, अपनी एक बुक अभी से कॉपी लगाओ अलग, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उतारना, ये क्वेश्चन इतने गलत करके होगा, पी के बी है, बी होगा, बी कैसे होगा यार, कमाल कर रहे हो यार तुम, ये सबसे अच्छा बेस है तो इसके लीस्ट पी के बी वैल्यू रही होगी यार, आप यही तो मिस्टेक करके आते हैं बच्चे एग्जाम में, मेरे बताने के बावजूद भी आपने गलती कर दी, तो देख लो इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, पी के बी सबसे कम होगा, बी बी के बाद देखो ये ए, इस क्वेश्चन का प्योर एंड करेक्ट आंसर डी है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर डी। ये मोस्ट मतलब मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन में, आप एक कॉपी लगाओ भाई अलग से सभी बच्चे, और वहां पे ऐसे मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन को उतारना है, वहां पे एक पूरे पेज पे लिख लो कि पी के बी का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, एक पूरे पेज पे लिख लो इस बात को कि पी के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, और हिंदी में वहां पे लिख लो अगर कभी पी के बी का क्वेश्चन आएगा ना तो मुझे बेसिक स्ट्रेंथ का अपोज बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ का अपोज, जहां मैं कह रहा हूँ भाई इतने बच्चे गलती करके आते हैं, पता क्या कहेंगे, सर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आया था जो आपने पढ़ाया था है ना, और मैंने ना वो ठीक कर दिया, मैं भाई क्या क्वेश्चन था, कहा पी के वैल्यू पूछी थी मैंने ना, जो सबसे ज्यादा एसिडिक था ना वो आंसर लगा दिया जल्दबाजी में, अरे यार मैं माइनस मार्क्स लेके आया, तो आपको ये गलती दोबारा नहीं करनी, मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया था ताकि आप इस बात को ध्यान में रख सके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी आएगा, मेरे बात बताने के बावजूद, बता क्या होता है माइंड में जब एग्जाम में हम बैठते हैं तो इतना सोचने का टाइम नहीं होता, इसीलिए मैं आपको बार बार आदत डलवा रहा हूं, जैसे पी के ए पी के बी वर्ड की, पी के ए वर्ड की, नोट वर्ड की, क्योंकि ये वर्ड आपको दिखने चाहिए है
ना इसको देखो, वैसे तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि कभी ऐसे वर्ड दिखे ना तो अपना चेहरा कुछ ऐसे बना लेना, ऐसे का मतलब इतनी बड़ी बड़ी आंखों से देखना है ना, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखना कि हाँ PKB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, जैसे ही है ना। तो समझ पा रहे हो मेरी बात को? सर बी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा कैसे? अरे यार गुआउडीन है, गुआउडीन बहुत अच्छे बेस होते हैं, बी का ऐसे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा कि ये वाला बॉन्ड जब आप यहाँ पे मूव करोगे तो ये भी लोन पेयर दे रहा है, ये भी लोन पेयर दे रहा है, काफी अच्छे बेस माने जाते हैं। ज्यादा लोन पेयर पहुंचेगा तो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे तो सिर्फ एक एन का पहुंच रहा है, वहां पे तो दो का पहुंच रहा था। अरे समझो इस बात को आशुतोष, किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त है। देखो ये एसिडिटी बेसिसिटी में अलग से भी पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर शायद 11 है, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। देखो भाई कोई बच्चा इसको बताएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी भाई, ठीक है? कोई बच्चा बताएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। देखो यार यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, ठीक है। क्या यहाँ का लोन पेयर इस कॉन्जुगेशन का पार्ट है? क्या ये लोन पेयर फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है? क्या नहीं कर रहा फ्रीली एग्जिस्ट? अगर ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सबसे पुअर है फोर्थ। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पे फोर्थ सबसे पुअर हो, तो ए को काट दो बी को काट दो क्योंकि यहां पे फोर्थ सबसे लास्ट में, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब देखना भाई यहां पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी sp3 है, इसकी sp3 है, ठीक है, आ रही बस में। अगर sp2 तो क्या ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रखता है, वो देता नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड सेकंड लीस्ट बेस होगा, इसका मतलब हमारा आंसर कंफर्म होगा कि डी है। अब फर्स्ट और थर्ड में कैसे कंपेरिजन किया जी? फर्स्ट और थर्ड में कैसे कंपेरिजन किया? फर्स्ट ज्यादा क्यों है थर्ड से? फर्स्ट ज्यादा क्यों है थर्ड से? रमेश सी नहीं होगा, डी होगा। दीपक ने बिल्कुल सही बोला है, अनामिका सी नहीं होगा, डी होगा। यार समझो कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझो, जितने ज्यादा क्वेश्चन समझोगे उतने अच्छे से आएगा। देखो यार इसको ध्यान से समझो, अब आपको ये वाली बात समझाऊंगा कि इन दोनों में, इसमें इस ऑक्सीजन का माइनस आई लग रहा है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कम लोन पेयर रहेगा, अगर कम लोन पेयर रहेगा तो सबसे बेस्ट जो बेस होगा वो फर्स्ट, फिर आपका थर्ड, फिर आपका सेकंड, फिर आपका फोर्थ। डी इज द करेक्ट आंसर। काफी बेहतरीन, काफी खूबसूरत क्वेश्चन था। आ रहा है मजा, आ रहा है मजा, MCQ सोल्व हो रहे हैं, GOC समझ में आ रही है। भाई देखो मैं पूरे पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एक से एक बेस्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक से एक बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखो भाई, ये सारी GOC है। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या वर्ड यूज किया गया है यहां पे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है। इलेक्ट्रोफाइल कब सब्स्टिट्यूएंट अच्छे से करेगा? देखो तो यार होता क्या है, एक बार समझ लो इसका कंसेप्ट क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कंसेप्ट ये देखने को मिलता है हमें, कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि ये आपका होता है ये वाला कंपाउंड। सर टू और फोर में कंपैरिजन कैसे किए? माइनस आई, इस ऑक्सीजन का माइनस आई लग रहा है, अगर माइनस आई लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो डोनेशन कम हो जाएगा। हम सर ऑर्गेनिक पसंद नहीं आता था मुझे, अभी धीरे धीरे अच्छा लग रहा है। अरे बहुत बेस्ट हो जाएगा, मजा आ जाएगा ऑर्गेनिक में। और है ना आप यार देखो, जब तक मुझसे कहोगे ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझा दो, मैं अलग से सेशन ले सकता हूँ हर एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं एक बात को एक घंटे तक समझा सकता हूँ अगर आपको समझ में ना आए जब तक मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको भी थोड़ी सी कोशिश करनी है सब चीजों को समझने की। जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करोगे ना मैं नहीं समझा सकता, दुनिया का कोई टीचर भी नहीं समझा सकता, ठीक है, बात समझ में? चलिए तो ये वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है क्या भाई? ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये आपका यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है, यहाँ पे अटैक करता है। तो देखो इस ये बॉन्ड यहाँ पे मूव हुआ हुआ, यहाँ पे आपका नेगेटिव, इसने यहाँ पे अटैक किया, तो ये एक बार के लिए ये स्टेज बनती है भाई। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक में क्या बनती है? ये यानी कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है। टू और फोर पूछ रहे हैं, टू और फोर में, ओके ओके ओके, टू और फोर में
अरे यार टू और फोर में ऐसे किए कि इसका जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है वो आपका एरोमेटिसिटी का पार्ट, वो फ्री लोन पेयर नहीं है, इसका तो फ्री है लोन पेयर, वो तो कंजुगेशन का पार्ट ही नहीं है, तो ये फ्री लोन पेयर है और ये आपका यूज्ड लोन पेयर है, ठीक है, तो ये यूज्ड है तो ये कम होगा, ये डोनेट नहीं कर पाएगा अच्छे से, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे ये फ्री लोन पेयर, ये कह रहे थे इसका पार्ट थोड़ा नहीं है। अरे बस तो ये देखो भाई, अब यहाँ पे अब आपको ये समझना है कि अब ये यहाँ पे एक क्या बनती है आपकी यहाँ पे, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यार सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होना चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन, अब देखो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा तो यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा बनेगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा बनेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अच्छे से होगा, बात आ रही है समझ में, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अच्छे से होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हुआ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना कि क्या हुआ। तो देखो यार सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे अटैक करेगा, मान लो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, अब देखो यहाँ पे अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब देखो भाई ये आपका कैसा इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट शो करेगा, स्टेबल करने की कोशिश करेगा, यस करेगा। ये आपका एन के ऊपर लोन पेयर लगा हुआ, ये क्या आपका प्लस एन की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा तो क्या इस कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल करेगा, अगर कार्बोकैटायन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल तो यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा बना रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल का अच्छे से अटैक होगा, समझ पा रहे हो, तो ये बात हुई। यहाँ पे ये अनस्टेबल कर रहा है भाई, यहाँ पे ये हाईली अनस्टेबल कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर लगाओगे कि थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर फोर्थ, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो डी होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आया, कितने स्टूडेंट ऐसे जिसको ये समझ में नहीं आया भाई, कितने स्टूडेंट ऐसे जिसको ये समझ में नहीं आया बताओ, तो भाई डी इसका करेक्ट आंसर है आएगा मेरे हिसाब से, आप समझ पाएंगे काफी हद तक, मेरे हिसाब से काफी हद तक आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को आना चाहिए, है ना। कह रहा कि हमने यहाँ पे होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन, देखो एक एक एरो दिखाइए ना, अलग अलग एरो, होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन, तो ए में क्या बनेगा भाई, ए में फ्री रेडिकल बनेगा, सी और डी तो हटा दो, यहाँ पे इसकी तरफ मूव किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बी पे कार्बोकैटायन बनेगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ए आएगा भाई, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ए आएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन आया भाई जेई एडवांस 2019 के अंदर, रिसेंटली क्वेश्चन है भाई, और जेई एडवांस के क्वेश्चन जरूर करने भाई आपको, जेई एडवांस 2019 के अंदर ये क्वेश्चन, 2019 या 18 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जेई एडवांस भी IIT के प्रोफेसर लेते हैं, और जेई जो जैम वो भी IIT के प्रोफेसर लेते हैं एग्जाम, और गेट भी IIT के प्रोफेसर लेते हैं एग्जाम, ठीक है। चलिए भाई इसको ध्यान से देखना है थोड़ा सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, पहली बात तो ये देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड यस, कार्बोक्सिलिक एसिड यस, कार्बोक्सिलिक एसिड यस, कार्बोक्सिलिक एसिड यस, यानी कि ये कॉमन है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी, क्या ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज है, क्या ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, ये sp2 होने के साथ साथ, ये sp2 होने के साथ साथ क्या प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, क्या प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, सर 12 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस में है, एंड सी ऑप्शन सही लग रहा है, थोड़ा बताना प्लीज, ओके 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 ओके, चलिए भाई इसकी बात करते हैं। देखो आप ये कह रहे हो कि इसके साथ ये रेजोनेंस में है, ठीक है, ये यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि ये माइनस एम बी शो करेगा और ये आपका प्लस एम बी शो करेगा, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि सी सही लग रहा है आपको कि फोर्थ, देखो यार सी नहीं आएगा बेसिकली इसका, अरे यहाँ पे तो प्योरली देखो यहाँ पे डोनेशन हो रहा प्लस आई के थ्रू, यहाँ पे प्लस एम के थ्रू डोनेशन हो रहा है भाई, आप ये समझो कि प्लस एम के थ्रू डोनेशन अगर 100 का हो रहा है तो माइनस एम के थ्रू अगर वो 50 का ले रहा है तो ओवरऑल 50 का तो आ रहा है यहाँ पे, 50 का डोनेशन जा रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई आपका, ये वाले तो 25 का डोनेशन दे रहा हुआ, क्या पता 25 का डोनेशन दे रहा हो, ये तो क्या पता, तो यही है भाई, ठीक है, यही आएगा इसका, थर्ड ही आएगा, मतलब थर्ड का, थर्ड सबसे ज्यादा आपका अच्छा शो करेगा, ओके।
एनी डाउट? मतलब डी इसका करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जई का बात करें भैया, अब यहाँ पे हमने देखा कि इसका भी हमारा यहाँ पे प्लस आई फैक्टर लग रहा है। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखना यार, गलती मत कर देना। ठीक है, तो एक बात तो मुझे समझ में आई कि फर्स्ट सबसे अच्छा एसिड होना चाहिए, फर्स्ट सबसे अच्छा एसिड होना चाहिए। देखो यह इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल करेगा, लेकिन इन दोनों में से एसपी वाला ज्यादा खींचेगा, क्योंकि एसपी वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एसपी कार्बन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा है। यानी कि मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि बी और डी को हटा देता हूं, बी और डी को हटा देता हूं, क्या ये होगा, ये होगा। अब मुझे ये बताओ सेकंड और थर्ड में से किसकी ज्यादा? यार ऑफकोर्स सेकंड की ज्यादा होगी, अरे ये तो डोनेट कर रहा भाई, डोनेट प्लस एम के थ्रू, बल्कि ये तो लिस्ट होगा, बल्कि ये तो लिस्ट होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए आपका, लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सी हुआ, सी हुआ, तो उसके बाद देखो थर्ड नहीं होगा भाई, नो नो, बिल्कुल गलत कह रहे हो, थर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, इसका जो हमें लग रहा है, इसका जो हमें लग रहा है, देखो यार गड़बड़ है इस क्वेश्चन में कुछ, ए होगा सर, ए होगा, ए कुछ कुछ ठीक लग रहा है, ए कुछ कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, यहाँ पे माइनस एम लग रहा है भाई, यहाँ पे भी माइनस एम लग रहा है, माइनस एम भी लग रहा है और माइनस आई भी लग रहा है, यहाँ पे भी माइनस एम लगेगा। ठीक है, लेकिन सेकंड का माइनस आई ज्यादा है, यस, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन, देखना भाई, देखना थोड़ा सा, बहुत ही चमत्कार हुआ। यानी कि थर्ड सबसे लास्ट में आएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा। तो जी क्या कर रहे हो, कभी कुछ है ना, दिमाग खराब करके रख रखा आपने यार। देखो चीजें रहा, एडवांस का क्वेश्चन है तो हल्का क्वेश्चन नहीं होगा, एडवांस का क्वेश्चन है तो हल्का क्वेश्चन नहीं होगा। कैसे भाई, इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो, इस बॉन्ड, ये देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। ठीक है, ये वाला आपका हाइड्रोजन इस तरीके से, देखते भाई एक मिनट रुको, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, मुझे लग रहा कि क्या पता ना बने ऐसा। ये देखो इस बॉन्ड को आप यहाँ पे मूव करोगे, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और फिर आप इसको कहाँ पे मूव करोगे भाई, नहीं 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 वही तो दिक्कत है ना, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको, इसको यहाँ पे ब्रेक करोगे, इसकी पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाओगे कि यहाँ पे आप नेगेटिव लेके जाओगे, इसमें तो माइनस एम ही लगेगा यार, माइनस एम ही लग रहा है, माइनस एम ही लग रहा है, रुक जाओ एक बार देखना पड़ेगा ध्यान से, माइनस आई ही लग रहा है इसमें, कोई माइनस एम का ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल नहीं रहा। यहाँ पे ये एस पी है तो फर्स्ट ज्यादा हुआ सेकंड से, लेकिन आप इस चीज को भी तो देखो ना यार, इसमें जो है आपका प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम लग रहा है तो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है, ज्यादा अनस्टेबल, थर्ड लास्ट में आना चाहिए, सेकंड फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड काफी हद तक ठीक लग रहा है बी, काफी हद तक, लेकिन मुझे आपको समझना पड़ेगा कि इसको ऐसा क्यों कहा गया है। ठीक है भाई, यार ये बात ऐसी है, ठीक है इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो थोड़ा सा ध्यान से एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। देखो यार हाँ, ये वाला जैसे यहाँ पे जाएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन लेने में लगा, यहाँ पे आपका ज्यादा डोनेशन होगा, ज्यादा डोनेशन होगा तो ओके, ऊपर नेगेटिव चार्ज, इतने वाला तो है नहीं, और वैसे ये दे भी सकता है, वैसे ये दे भी तो सकता है भाई, दे सकता है ना, क्योंकि कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखो भाई, आप इसको क्रॉस कंजुगेशन के टाइप से ट्रीट करो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई, देखो ये आपका जैसे यहाँ पे गया, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब ये कह रहा कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये कह रहा कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, ठीक है क्रॉस कंजुगेशन हो गया यहाँ पे, क्रॉस कंजुगेशन। सर थ्री को चेक नहीं करने से भी चलेगा, 1 2 4 को देखा ना, देखो ना 1 2 4 को, हाँ लेकिन 2 कैसे ज्यादा आ रहा है ना, ये चीज भी तो समझनी है, 2 कैसे ज्यादा आ रहा है, ये चीज भी तो समझनी है। अब देखो यहाँ पे इस चीज कैसे समझो, इसको आप ऐसे ब्रेक करोगे, ये भी डोनेट करेगा, इसके डोनेशन के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है इसके डोनेशन के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे आपका sp2 वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और यहाँ पे आपका sp3 वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। कहाँ पे ज्यादा चार्ज स्टेबल होगा, sp3 का मतलब लेस रिएक्टिव,
सॉरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर समझो भाई, अब आ गया समझ में, अब समझ में आपको बेहतरीन तरीके से आएगा। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ही आएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी आएगा भाई, क्यों? क्योंकि मुझे पक्का लग रहा था कि यार इस चीज को समझ लो ना, ये डोनेट कर रहा और मेसोमेरिक के थ्रू डोनेट कर रहा, तो ये लास्ट में आएगा, ठीक है, ये लास्ट में, उसके बाद ये भी डोनेट कर रहा, इन दोनों में बी कैसे हो गया भाई, इसकी कैसे ज्यादा हुई, समझो इस चीज को। देखो दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखो इसकी जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाऊंगा तो क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा होगा, देखो जैसे ये बनेगा, मान लो एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि कुछ बना है, तो क्या यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, और इस केस में क्या कार्बन सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, क्या कार्बन सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तो क्या ये sp है, sp2 हाइब्रिडाइज होगा लाइक दैट, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इस कार्बन पे, इसका मतलब ये ज्यादा डोनेट करेगा, अगर ये ज्यादा डोनेट, ये आपका क्या करेगा भाई, ज्यादा डोनेट करेगा, अगर ज्यादा डोनेट करेगा तो ये वाला कम आएगा, है ना, ये वाला ऊपर जाएगा, कुछ नहीं यार कंफ्यूज हो गया यार खुद इस क्वेश्चन में, गड़बड़ हो गई यार कुछ, तो यार एक बार इसको वेरीफाई कर ले, वेरीफाई कर ले, एक मिनट रुको मैं आंसर देख के बताता हूँ इसका, मेरे पास टैब पर ले, उसमें दूसरे रूम में पढ़ा है, मैं एक बार आता हूँ, टैब देना एक बार उस रूम में पढ़ा है। अभी अभी क्लियर करते हैं भाई इस क्वेश्चन को, एक मिनट रुको कि क्या आंसर दिया हुआ इन्होंने, ठीक है, उसके बाद जब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें भाई, जब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, जब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, 5-10 मिनट लगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, मैं देखता हूँ इसका थोड़ा सा इसमें हो रहा है डाउट, वेरीफाई कर लेते हैं इसको। सर नहीं समझा रहा सर, sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन में पॉजिटिव चार्ज कैसे पॉसिबल होगा, उन्हें को तो एक मिनट रुको आशुतोष, वही कहता हूँ मैं, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हम डिटेल में मतलब ज़्यादा कंसेप्ट लगा दिए, गड़बड़ हो गई, एक बार मैं वेरीफाई कर रहा हूँ भाई इसको, जैसे वेरीफाई होता मैं आपको बताता हूँ, इसमें यार कन्फ्यूजन हो गई, एडवांस के क्वेश्चन में हो जाती है अक्सर कन्फ्यूजन, कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए तो बोलते हैं कि एडवांस काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देते हैं यार, ये काफी कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, टीचर को भी करते हैं, काफी टीचर भी कंफ्यूज रहते हैं, देखना पड़ेगा मेरे को एक बार, इसका पहले आंसर देखेंगे कि आईआईटी ने आंसर क्या दिया था, उसके हिसाब से इसका आंसर बताया जा सकता है, क्योंकि काफी चीजें हमें आईआईटी को भी फॉलो करना पड़ता है कि वो क्या दे रहे हैं, मुझे ये नहीं पता मैंने ये क्वेश्चन लिया कहाँ से था, मिलेगा ही नहीं है ना, देखो ऐसा महान टीचर है तुम्हारा, टीचर को ही नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से लिया है, बच्चों ने क्या बताया, ए होगा, अनामिका कह रही ए होगा, ओके अनामिका चेक कर लेता हूँ मैं फटाफट से, मुझे एक बार पेपर मिले ये कहाँ पे कहाँ का क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा तो अभी मैं कैसे बता पाऊँ, मुझे क्वेश्चन मिले तो मैं बताऊँ, पता नहीं कहाँ से उठा लिया मैंने, ये कन्फर्म मुझे याद तो आ रहा है कि ये जय एडवांस का क्वेश्चन है, यहाँ पे हो सकते शायद, ए होगा, ए होगा, डी होगा, अभी बस आंसर आने वाला आपके सामने, मुझे मिल तो गया है वो,
मिल गया यार, कमाल ही हो गई यार, मीशो रही नहीं मिल रहा मुझे। चलिए भाई कोई बात नहीं, इसका देखो भाई, इसका बता, उसको डिस्कस करेंगे भाई एक बार, ठीक है। उसमें ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है आपका कि उसमें आपका जो आंसर है वो ए और बी में से आएगा, इसमें ए और बी में से आएगा, कौन सा आएगा इसको हम देखेंगे। मुझे काफी हद तक लग रहा है कि बी भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस एम से हो रहा है भाई, लेकिन ऐसा भी समझा जा सकता है ये प्लस एम जरूर कर रहा है लेकिन ये माइनस आई भी तो कर रहा है ना, ठीक है। ये आपका सिर्फ प्लस एम से हो रहा है, तो देखेंगे इसको, ए और बी में से आंसर कन्फर्म है, ये वाली बात सही है बिल्कुल, ठीक है ना। क्यों भाई, ये भी तो आ सकता है, नहीं ये नहीं आएगा, थर्ड नहीं जाता हुआ, ये नहीं आएगा, ए और बी में से इसका आंसर आएगा, देखेंगे भाई इसको। इसको एक बार मैं स्टार लगा रहा हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। अब दूसरी बात इसके ऊपर आ जाओ भाई, माइनस एम बताना है, तो किसका माइनस एम ज्यादा होता है भाई इनमें से, किसका माइनस एम ज्यादा होता है। देखो ओ आर से तो ज्यादा एन एच टू का काम होता है, ये वाली बात तो सही है, ठीक है, ये वाली बात सही है, ओ आर का और यहाँ पे एन आर का, ठीक है, ये वाली भी, क्लोरीन का ज्यादा होता है क्या एन एच टू ओ आर, ये गलत है, ये नहीं पॉसिबल होगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। और अब देखना है कि ये क्या पॉसिबल होता है, क्या क्या फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्या, यस। तो इसका आंसर जो है आपका सर ए होगा, एसपी टू वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो फिर भाई ए होगा ना, तो आप इस चीज को तो समझिए, अगर ए होगा, आप कह रहे हो ए होगा, ये कैसे कह रहे हो भाई फिर, नहीं नहीं थर्ड ये कैसे है ना, ये नहीं समझ में आ रहा, रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई। चलो यार इसको देखेंगे, इसको देखेंगे बाद में। इसमें से बताओ भाई, इसमें से क्या करेक्ट आंसर लग रहा है आपको, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से बताओ भाई इसका, ठीक है। तो भाई आर यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट आपको बताना है कि माइनस आई किसका ज्यादा था, माइनस आई दिया है, यस माइनस आई दिया भाई, इसमें माइनस आई का ऑर्डर आपको देख लेना है इसमें, बेसिकली माइनस आई का ऑर्डर देख के। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये भाई, ये आपका ना होमवर्क है आपके लिए, तो एक क्वेश्चन नंबर ये होमवर्क है, आप ट्राई करना, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। एक ये तीन क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है दो, और एक क्वेश्चन ये है तीन, तो ये तीन क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन ये है फोर, तो ये चार क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक ये एक ये एक ये, जो मैंने नहीं करवाए वो आपको घर से ट्राई करने हैं, ठीक है, जो मैंने नहीं करवाए वो क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करने हैं। इस एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है भाई, तो इसको डिस्कस करेंगे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा भाई, बताओ कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऑर्डर पे चलें, अभी ऑर्डर तो दिखाया था यार आपको, अरे ऑर्डर थोड़ा सा ही उसको ध्यान में भी रखो भाई, मैं तो खुद भूल जाता हूँ, इसलिए तुमको याद करने के लिए कह रहा हूं, मुझे पता नहीं वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, यहाँ पे है ना, ये देखो भाई फ्लोरीन यहाँ पे आता है, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा ओ आर, ये रहा एन एच टू, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, यही तो पॉसिबल है यार, फ्लोरीन उसके बाद ओ एच उसके बाद एन एच टू, ए करेक्ट आंसर है। सर कल डाउट क्लास होगा स्टीरियो का, नहीं भाई क्वेश्चन आए नहीं मेरे पास तो नहीं होगा, क्वेश्चन मेरे पास है ही नहीं, कोई डाउट क्या लूं मैं बताओ, कल कंटिन्यू हाइपर कॉन्जुगेशन कंटिन्यू करेंगे भाई, कल कल जीओसी कंटिन्यू करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, और संडे को आपका टेस्ट होगा स्टीरियो का, और साथ में संडे को आपका मे बी मोटिवेशन सेशन रखेंगे, जैम 2021 की प्रिपरेशन कैसे रखें पब्लिक में, आप अपने फ्रेंड्स को भी लेके आना साथ में, ये वाली वीडियो सभी देख सकेंगे, ठीक है, ओके। चलिए भाई आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, और कुछ होमवर्क दिया वो आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू।